50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं, विकासों का बीज बनवाया, ये विकास हुआ है। सिर्फ नाम की हॉस्पिटल है, डॉक्टर कोई भी नहीं है। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं तो आम पब्लिक हूँ। बेरोजगारी चरम पर है, माहौल पंजा का है। बीजेपी पूरी तरीके से फ्लॉप है। अपने यहाँ मुँह को मारो, विदेश में पूरी खाया। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं चलते फिरते लोगों से, आम जनता के बीच से आपको विधानसभा और लोकसभा की चुनावी सर्वे दिखाती रहती हूँ। और इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के वीना विधानसभा में हूँ। आइए जानते हैं कि यहाँ पे आम जनता के बीच क्या कुछ चल रहा है, क्या माहौल है, चुनाव को लेकर क्या है मूड यहाँ पर। मैम, इस बार हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से देख रहे हैं जो बीजेपी की सरकार रही है, वादे तो ये कई करते हैं लेकिन पूरे ने कमी नहीं की है। जमीन स्तर पर देखा जाए तो बीना विधानसभा की लोकल बात की जाए, रिफाइनरी जेपी जैसे बड़े पावर प्लांट होने के बावजूद भी यहाँ के लगभग 80% युवक बेरोजगार हैं, और जो रोजगार जिनके पास रोजगार भी है वो भी कहीं ना कहीं बाहर जाकर दूसरे शहरों में जाकर उन्हें रोजगार प्राप्त है। महंगाई की स्थिति देख ही रहे आप, जितना लोग कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा उनका बिजली का बिल आ रहा है। ये बातें तो कई करते हैं, महिलाओं से बातें करते हैं, लाडली बहना के माध्यम से इन्होंने एक मोदी जी आए थे, 500 करोड़ों का गिफ्ट देकर चले गए यहाँ पर। ये गिफ्ट मैडम एक अगर देखा जाए तो एक छलावा है, दिखावा है, क्योंकि जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा हम कैसे कह सकते हैं कि बीना का विकास होगा। और जो योजनाएं दे रहे हैं, लाडली बहना की आप बात की जाती है, 1000 रुपये दे रहे हैं ये लोग महिलाओं को, लेकिन उससे ज़्यादा का बिजली का बिल थमा रहे हैं। 1000 रुपये देकर 4000 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है, इससे कम तो शायद ये मेरे हिसाब से किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का आ रहा हो। और जो 250 रुपये उन्होंने बढ़ाए, बोलते हैं राखी खरीदेंगे महिलाएं अपने भाई के लिए, मिठाई खरीदेंगी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि 250 रुपये में कौन सी कितनी अच्छी राखी और कितना अच्छा मिठाई, ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली मिठाई आएगी जो लोग अपनी महिलाएं अपने भाई को खिला सके। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही यथार्थ है यहाँ का। बीजेपी तो कहती है बहुत विकास किया मैंने, विकास में भ्रष्टाचार भी देखिए ना मैडम, भ्रष्टाचार भी तो कितना हुआ है, हर जगह बड़े बड़े स्तरों पे हुआ है। जिन लोगों के पास साइकिल नहीं थी आज से 20 साल पहले, आज वो लोग 50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। विकास ये हुआ, विकास भाजपा का हुआ है प्रमुख। तो ये अभी आप यहाँ देखेंगे पुलिया बनी हुई है, ये 1 साल से काम लगा हुआ है, ऐसा विकास हुआ है। एक आपने अगर आप अभी शायद कुरवाई मार्ग से अगर आ रहे हो तो एक ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे, 8 साल से काम लगा हुआ है, एक ओवर ब्रिज कम्प्लीट नहीं हो पा रहा, ये विकास हुआ है। एक ओवर ब्रिज आप देखेंगे प्रभात टॉकीज, यहाँ अभी आपको थोड़े गाड़ी का गड्ढा पड़ा हुआ उसके सामने ब्रिज बना हुआ है, टी पॉइंट पे टी शेप में उन्होंने हमारे माननीय विधायक जी के भतीजे की जमीन बीच में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उनने उसका मुआवजा लेने के लिए ब्रिज की डिज़ाइन चेंज कराई, टी शेप में कराई। टी शेप का शायद मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का पहला ब्रिज होगा, और खुदा ना करे कभी ऐसा हो लेकिन हादसों का ब्रिज बनवाया, ये विकास हुआ है। क्या कह रहे हैं? सही बात है भैया की, सही बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार में भाजपा नंबर वन हो चुकी है, और आज हमारे यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, सिर्फ नाम की हॉस्पिटल है, डॉक्टर कोई भी नहीं है यहाँ पर। और इतना विकास की बात करते हैं भाजपा वाले, यहाँ पर अस्पताल देखिए, बीना बहुत बड़ा शहर है, सागर जिले की सबसे बड़ी तहसील है, लेकिन विकास के नाम पर 0 है यहाँ, कुछ नहीं, भाजपा ने कुछ नहीं किया है। क्या कह रहे हैं बाबा? देखिए सच्चाई तो है, हम इस पे इनकार नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारी भी हमारे बीना विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा है, और लोगों की पॉकेट में पैसा भी नहीं है। जब से भारत सरकार ने नोटबंदी की हुई है उसके बाद आम पब्लिक पे कोरोना की मार, और सरकार भी देखा जाए तो कोरोना में भी फेल हो गई है, और बीना विधानसभा की स्थिति कुछ ऐसी है कि विधायक जी भी हमारे उतने एक्टिव नहीं रहते हैं, विकास दिखता है केवल फाइलों में, एक रोड को 4 बार बना दिया जाता है। कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना तो सरकार सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है कि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया सिचुएशन, कोरोना वैक्सीन दी सभी को। कोरोना सरकार खुद मानती है और फाइलों में मानती है कि मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो नज़रिया भी देखिए कि रोड लोग जो है पैदल रोडों पर चल रहे थे, तो कहाँ से सरकार अपने आप को बोलती कि साहब मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, आज हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई है, हम कहाँ से हैं। आपकी फाइलों में तो हर चीज़ दिखती है, लेकिन देखा जाए तो कोरोना के बाद नोटबंदी के बाद नंबर वन देश के अंदर बेरोजगारी है। ये आंकड़े मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के खुद आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े खुद दिखा रहे, ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी हुई है तो नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई है। वास्तविक स्थिति ये है, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा किया, एक प्लांट दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे लोकल के जो लोग हैं
जो 18 से 35 वर्ष के युवा हैं उनको कितना रोजगार मिलेगा, कितना रोजगार मिलेगा? अभी आए थे यहीं पे मोदी जी? जी बिल्कुल आए थे, आए थे, लेकिन अब मोदी जी में वो बात नहीं, ना पब्लिक का इंटरेस्ट था सुनने का, लोकल की पब्लिक भी उनके कार्यक्रम में देखने नहीं गई ना सुनने गई। बसों की हालत ये थी कि लोग नहीं थे। आपने 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, आपने सागर में आके एक कार्यक्रम कर दिया, 100 करोड़ का आपने मंदिर दिया, बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं तो आम पब्लिक हूँ। लेकिन एक कार्यक्रम और दो जगह आप उद्घाटन कर रहे थे, एक ही दिन में हो सकता था। 50 करोड़ रुपये का, अगर 50 करोड़ रुपये का आपने जो खर्च किया है, अगर वो एक ही साथ कर देते तो शायद वो 50 करोड़ रुपए का जो खर्च नहीं किया है अभी, खर्च किया अभी बोल कर जी 50 करोड़ रुपए अगर वो आम पब्लिक में खर्च करते हैं, है ना, तो वो ज्यादा उचित रहता। प्रधानमंत्री जी ने दी योजना दी, हमें मानता हूँ कि बिना के लिए किया है उन्होंने, लेकिन 50,000 करोड़ की आपने जो योजना दी हुई है, तो आपने 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, उसके साथ में अगर इंक्लूड कर देते तो शायद वो 50 करोड़ रुपए आम जनता में काम आते। मैम आज इनने 50,000 करोड़ का ये शिलान्यास करके गए हैं, इसके पहले रिफाइनरी तो पहले से चल रही है, रिफाइनरी काफ़ी दिनों पहले से चल रही है, रिफाइनरी में लोकल के लोगों को कोई काम नहीं मिलता है, बमुश्किल जिनकी ज़मीनें गई हैं उनको काम दिया गया है, वो लोग होंगे मुश्किल से 25 से 30, वो भी योग्यतानुसार नहीं, योग्यतानुसार नहीं, सुनिए मैम, उनको क्या काम दिया गया है, हाउस कीपिंग, झाड़ू पोछा, चपरासी बनाया गया है, ये काम दिया गया है, बिना रिफाइनरी में लोकल के लोगों को कोई काम नहीं मिलता है। वजह इसकी वजह अब वो मतलब मोनोपोली है रिफाइनरी की, और राजनेताओं का साथ रहा उनके लिए, जो भी राजनेता रहे उन्होंने, और एक चीज बताऊं मैं, यथा रिफाइनरी ने यहाँ पे प्रदूषण फैलाया है, रोजगार तो मिला ही नहीं है, साथ ही साथ 5 किलोमीटर में नो डेवलपमेंट जोन घोषित कर रखा है, जिसमें कि 17 गाँव आते हैं, उन गाँवों में आज भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाए मैडम, क्योंकि आप कुछ बना ही नहीं सकते, आप एक कमरा नहीं बना सकते, नो डेवलपमेंट जोन है। साथ में और सुनिए, उसी 5 किलोमीटर में खुद उनकी टाउनशिप आती है, जहाँ निरंतर जब से रिफाइनरी चालू हुई है उसके पहले से निरंतर काम चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, फ्लैट बन रहे हैं, वो रेगुलर बन रहा है, लेकिन उसके पास में जो गाँव लगे हैं, जब सामने आजू बाजू गाँव लगे वहाँ आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये है मैडम। जो बात मैम आप बोल रही थी कि ये कोरोना को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो कोरोना में इसलिए उपलब्धि बता रहे हैं क्योंकि इनने कभी भी, आप अगर ने देखा हो तो हर किसी की मौत, उनने हार्ट फेल, किडनी फेल, लीवर फेल, कभी किसी की डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं लिखा गया कि कोरोना के कारण हुआ, लेकिन सारी डिसीजन जो आई, चाहे वो लीवर फेल हुआ, किडनी फेल हुई, या कोई भी ऑर्गन्स फेल हुई हो, वो कहीं ना कहीं है तो कोरोना के कारण ना, तो डेथ सर्टिफिकेट पे कभी भी नहीं लिखा गया कि कोरोना से इनकी मौत हुई। दूसरा भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो बीना में अगर आपको पता होगा तो 100 करोड़ का इन्होंने हॉस्पिटल बनाया था, टेम्प्रेरी हॉस्पिटल, 100 करोड़ में कहीं ना कहीं एक अच्छा परमानेंट हॉस्पिटल बन सकता है, लेकिन उन्होंने टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाया, तो ये इन्होंने विकास किया, विकास किसका हुआ, ये विकास इनका खुद का विकास। कोरोना जो कम हुआ वो पूरा हॉस्पिटल खत्म कर दिया गया, उसमें आज भी बिना के लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी जो रकम इनने लगाई है, इतना इतना पैसा उसमें लगना था, और मिटाने के बाद वो सामान कहाँ गया, फर्नीचर और जो कुछ व्यवस्थाएं जुटाई थी वो कहाँ गई, किसी को नहीं मालूम मैडम। बहुत बड़ा ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, भ्रष्टाचार बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, लोगों को रोजगार नहीं मिला है, तो क्या इसका असर चुनाव में दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा मैडम, बिल्कुल दिखाई देगा, ये पक्की बात है। पब्लिक तो नाराज है, आम पब्लिक तो नाराज है ना, आम पब्लिक तो यही कह रही कि आपने 100 करोड़ का अगर हॉस्पिटल बनाया है तो कितने पेशेंट का इलाज किया, आप पैसे भाई भाई लूट रहे कि नहीं साहब, हमने कोरोना में हमने जनता की सेवा की हुई है, कहाँ से आपने जनता की सेवा की हुई है, आपने जब हॉस्पिटल बना के तैयार किया जब कोरोना समाप्त हो चुका था, आपने 100 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए, आम पब्लिक का पैसा था, वो किसका पैसा था, आम पब्लिक का था, मेरा पैसा दिया, आज की डेट में देखा था मध्य प्रदेश सरकार के पास पर व्यक्ति के पास 40,000 रुपए का कर्ज है, हर व्यक्ति, आपने 1,000 करोड़ रुपए अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी ने लिए केवल पब्लिक के लिए रेबड़ी बांटने के लिए, 40 आपने अभी 500 करोड़ रुपए कल परसों उन्होंने फिर ले लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, जनता को कर्जे में डुबो रहे हैं, क्या कर्जा लेके रेबड़ी बांटेंगे आप, क्या विकास कर रहे हैं? किसान की जो कर्ज माफी का ऐलान किया है मुख्यमंत्री जी ने, क्या उसका असर नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आप ये देखिए, बीना की मंडी 22 दिन से बंद थी, किसी भी प्रशासन के लोगों ने, किसी भी हमारे लोकल विधायक जी ने, हमारे किसी भी मिनिस्टर ने आके एक भी दिन मंडी की सुध नहीं ली के क्या पोजीशन है। आज 25 दिन से पटवारी जो है अपने बस्ते जमा करके हड़ताल पे हैं, क्या पोजीशन है पूरे बीना
शहर की कोई भी प्रतिनिधि जाके उनसे मुलाकात नहीं कर रहा है। आज 22 दिन से आम पब्लिक के काम रुके हुए हैं। आप जाति प्रमाण पत्र पाएंगे, आय प्रमाण पत्र पाएंगे, जिसमें पटवारी की जो है मोहर लगती है। आज 22 दिन हो गए हैं, 25 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था वो भी नहीं आए। जिला बनाने की इतनी समय से योजना है वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। 40 साल से हम चिल्ला रहे हैं, 3 दिन मुख्यमंत्री आए मतलब घोषणा कर गए, मुख्यमंत्री जी हिम्मत नहीं कर पा रहे बिना आने की, आशीर्वाद लेने नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए मैडम। उसको ऐसा हरी बात किस मुंह से आएंगे, तीन तीन मुख्यमंत्री मंच से सार्वजनिक घोषणा करके गए हैं। मैम ये खुरई से लौट गए, अभी 3-4 दिन पहले जो उनकी यात्रा आई थी विकास यात्रा, उसमें खुरई से लौट गए वो, बिना आई थी यात्रा, बिना विधानसभा का पूरा विकास श्रीमान जी खुरई ले गए। जो कुछ होगा खुरई में होगा, बिना में कुछ नहीं होगा। 8-8 साल से हमारे 2-2, 3-3 ब्रिज हैं, एक ब्रिज बन के 2 साल के अंदर तैयार होगा और 2 ब्रिज हमारे 8 साल में तैयार नहीं हुए। उसका नक्शा इस तरीके से पास किया कि पूरे मार्केट का जो है विवादित स्थिति में आ गया। मार्केट का झांसी गेट हमारा खत्म हो चुका है, झांसी गेट के प्रॉपर्टी के जो है तो जीरो हो गया है। हमारा सागर गेट जो आपने ओवर ब्रिज बनाया 2 साल में आपने बना के, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, लेकिन पूरा मार्केट सेल हो गया। सिविल हॉस्पिटल में जाने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं है, मार्केट जो फेल हो गया। गल्ला मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली को जाने के लिए किसान को व्यवस्था नहीं है। आज 22 दिन से हमारे जो मंडी में हड़ताल चल रही है, कभी व्यापारी हड़ताल करता है, कभी मजदूर हड़ताल करता है, कभी किसान व्यापार करते हैं। आप कर क्या रहे, क्या दे रहे हैं बीना के लिए, आप किस तरीके का आप बीना में माहौल पैदा कर रहे हैं कि कुछ किसान तो सबसे ज्यादा तादाद में है भाजपा के साथ। कहां से आप उनकी फाइलों में है, चुनाव में आपको एहसास होगा। मैं बता दूंगा आपको, बीना नदी परियोजना बीना में लागू हो रही थी, सबसे पहले हक देखा जाए तो बीना का बनता है। आपने हमारे 82 गांव छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए आपने 82 गांव, क्योंकि आपने उसको डाइवर्ट करके जक्शन से लेके आप अपने क्षेत्र में ले गए, आप अपने क्षेत्र में ले गए। 82 गांव हमारे जोड़ते तो हमारे क्षेत्र की इनकम बढ़ती, हमारे किसान की इनकम बढ़ती, पानी की व्यवस्था होती है, खाद बीज समय पे मिलता, उनकी इनकम बढ़ जाती है, लेकिन आपने आज जीरो कर दिया है। 82 गांव का जो किसान है वो आज बिल्कुल आर्थिक हालात खराब चल रहे हैं। आप बोलते हैं कि अभी आप देख लीजिए जितने भी है बैंक वाले लोन के चक्कर काट रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है। भाई कोई डिग्री लिए हैं, कोई डिप्लोमा लिए हैं, कोई ITI किए हैं, रोजगार अगर आपको देना है तो आप टेक्निकल आदमी को कह रहे हैं जिनमें योग्यता है उनको मिल रहा है रोजगार। कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, रिफाइन देके 20% लोग नहीं है बिना विधानसभा के। रिकमेंडेशन से रोजगार मिल रहा है, जो भी मिल रहा है रिकमेंडेशन से मिल रहा है, चाहे वो लोन हो, राजनीतिक लोग पदाधिकारी जो बोलते हैं उन्हीं के लोन होते हैं। मैडम सबसे बड़ी चीज मैं जो बताना चाह रहा था कि शिवराज सिंह जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बीना आने की, क्योंकि बीना में इतना बड़ा विरोध होगा। वो यहाँ पे कई बार झूठ बोल के गए हैं, जब भी चुनाव आता है वो कहते हैं इस बार हमें भ्रष्ट सरकार बनाइए, बीना को जिला बनाएंगे। क्या हुआ कई बाबा, बीना विधानसभा की जनता नाराज है? बिल्कुल झूठे कोरे आश्वासन है मैम, और बीना का विकास कहीं से कहीं तक नहीं दिखता। आपको बताएं बेरोजगारी चरम पर है और आर्थिक बदहाली बहुत ज़्यादा है लोगों में, पलायन कर तो भाई इंदौर जा रहा, कोई सूरत जा रहा, कोई गुजरात जा रहा, रोजगार स्थानीय तौर पर उनको यहीं मिल जाए तो बेचारे क्यों जाए घर बार छोड़कर। बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहे क्योंकि आर्थिक आय नहीं उतनी है ना। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। माहौल क्या है इस बार मीना विधानसभा? माहौल पंजा का है, कांग्रेस आएगी, पूरे प्रदेश में माहौल है। हाँ इस बार पूरा प्रदेश में माहौल है। अच्छा। इस बार मामा फर्जी जा रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल देखिए मैम क्या है, BJP ने एज पर ग्रांटेड ले लिया चीज़ों को। उनका ये मानना है कि यहाँ की जनता जो है भोली भाली है, तो कोई भी कैंडिडेट वो उतारेंगे तो जीत जाएगा। लेकिन देखिए 25 साल हो गए यहाँ पर, स्वास्थ्य के लिए अगर आप देखेंगे तो प्लीज़ एक बार मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, हॉस्पिटल होके आइएगा, आपको लगेगा कि 1,50,000 की पॉपुलेशन पे इतनी नगण्य व्यवस्था स्वास्थ्य की, आपको बहुत पिटी फील होगा। एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ रोज़गार की, सर ने बहुत अच्छी बात कही, यहाँ का स्थानीय आदमी इतनी दूर दूर जा रहा है रोज़गार के लिए और बाहर के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। यानी आप समझिए कि जितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं उस इंडस्ट्री से जनप्रतिनिधि अगर ढंग से डील बात करें तो स्थानीय रोज़गार मिल सकता है, लेकिन नगण्य है। यानी BJP पूरी तरीके से फ्लॉप है अगर आप उसको रोज़गार की चीज़ में बोलें। यहाँ की महंगाई चरम पे, हर चीज़ में यहाँ के मुद्दे नहीं उठाए जाते, चाहे ओलावृष्टि हो चाहे फसल की नष्ट हो, कोई नहीं सुनवाई होती है, सिर्फ और सिर्फ कुशासन आपको हर जगह मिलेगा। छोटा सा मैडम एक छोटा सा उदाहरण, इतना बड़ा शहर बीना है, आप किसी भी कोने में चले जाएं बीना में, शहर में
कहीं भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। खास पुरुष तो कहीं ना कहीं कोई कैसे भी कैसे भी अपना सरकार तो कहती है जहां सोच वहीं शौचालय क्यों। आप देख लीजिए ना, आप खुद आप कैमरा आपके हाथ में, आप यहां से मतलब एक एंड से स्टार्ट करें दूसरे एंड तक कहीं ना कहीं भी आपको सुलभ शौचालय नहीं मिलेगा। महिलाओं को इतनी परेशानी है, एक भी सुलभ शौचालय ना होना, और आप सिटी में खड़े हैं मैम, शहर में नहीं है जी। शौचालय ना होने से महिलाएं ज्यादा परेशान होती है, पुरुषों को कोई समस्या नहीं आती। बीजेपी है बदलाव, बदलाव महंगाई बढ़ी और टैक्स जनता पर बहुत लगाया है, उससे परेशान है पूरी जनता। और जो तरक्की हो रही है, क्या तरक्की हुई बताइए, विदेशों में नाम हो रहा है प्रधानमंत्री जी, देशों में क्या हो रहा, अपने यहाँ मुंह को मरो विदेशों में पूरी खाओ, ये क्या है, अपने यहाँ रोटी खा रहे हो वहाँ पूरी खा के आ गए तो विकास हो गया।